के इस अलविदाई जलसे के सदर मोहतरम हमारे रहबर मोहतरम जनाब एडवोकेट अब्दुल रहमान बारूद वाले, मदरसा मिफ्ताहुल उलूम के सदर मोहतरम मौलाना आसिफ साहब, हमारे दोस्त जो अभी मौजूद थे अब तक लेकिन अभी अभी मुझे बाहर नजर आए, मौलाना यासीन साहब मिल्ली, उर्दू अखबार के नामा निगार शमीम टेलर साहब, इस हाई स्कूल के हेडमास्टर अब्दुल रज़ाक सर, सभी असातिज़ा मौलिमा, गुज़िश्ता साल दहम जमात में अव्वल दुआ सुबम दर्जे में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और इसी स्कूल के साबिक तालिबात डॉक्टर सालेहा और एडवोकेट अलमास, और आज जिन लोगों के लिए प्रोग्राम रखा गया है ऐसे दहम जमात के बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम। अब मेरी बात की शुरुआत हो रही है। ये पहले बाजे बनने के पहले सब तैयारी करना पड़ते नहीं है, उसके वास्ते करना पड़ता, प्याज काट रहे, अदरक छिल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये सब उसकी तैयारी, हांडी अभी छटना बाकी है, बात समझ में? ठीक है। हर साल ये अलविदाई जलसे का प्रोग्राम होता है, इस साल भी हो रहा है, कोई नई बात थोड़ी है। यहाँ अव्वल जमात से लेकर दहम जमात तक क्लासेस चलती हैं, हर साल इम्तिहान होता है, हर क्लास का इम्तिहान होता है, सब बच्चे अपनी अपनी क्लास का सालाना इम्तिहान देते हैं, अगली क्लास में जाते हैं, और ये सिलसिला अव्वल जमात से लेकर दहम जमात तक चलता चला जाता है। फिर ये दसवीं वालों के लिए ऐसा खास क्या है जो ये प्रोग्राम अरेंज करना पड़ा, जो आज के जलसे को मुनाकिद करना पड़ा, इसकी वजह क्या है, क्यों? जिस दिन ये क्यों सोचने लग जाओगे ना, उस दिन सारी मुश्किलें तुम्हारी आसान हो जाएगी, तुम साइंटिस्ट बन जाओगे। आठवीं में पढ़े होगे ना डॉक्टर एपीजे कलाम, वैज्ञानिक बनण्यासाठी काय आवश्यक आहे? आपल्या सभोवताली असलेल्या प्रत्येक गोष्टीला विचारायचं का? काय विचारायचं? झाले तुम्ही सायंटिस्ट, कितना आसान तरीका है साइंटिस्ट बनना, बस हमारे आसपास जो चीजें हैं उससे सवाल करो क्यों बन गए साइंटिस्ट, लेकिन क्यों, कब बनोगे साइंटिस्ट? बस सवाल कर लिए क्यों, वो साइंटिस्ट बन जाओगे? नहीं, वो तुम्हारा पहला कदम होगा, उसके बाद जब उसका जवाब तुम तलाश करने में कामयाब हो जाओगे उस वक्त बनोगे तुम साइंटिस्ट। फिर आज ऐसा क्या खास है, दसवीं वालों का क्यों अलविदाई जलसा यहाँ पर रखा जाता है? वो इसलिए खास है कि हर चीज़ की तैयारी के लिए कुछ वक्त होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि भाई बड़ी डेग चढ़ानी है तो उसके पहले से तैयारी होती है, प्याज कटती है, लहसुन छिलता है, अदरक छिलती है, मिर्ची कटती है, और दुनिया भर की चीज़ें उसकी तैयारी में जुट जाते हैं, कई लोग कई अफराद उसके साथ तैयारी में लग जाते हैं, और तब जाकर वो हांडी चूल्हे पर चढ़ती हैं और वो बनती है, बस ऐसी है। इम्तिहान तो तुमने पहली में भी दिया, दूसरी में भी, तीसरी में भी, सातवीं में भी, आठवीं में भी, और गुज़िश्ता साल ही तो तुमने नब्बे का इम्तिहान दिया था, फिर ऐसे क्या हो गया कि इस साल तुम्हारे लिए अलविदा का जलसा रखा गया? तो ये जितने भी इम्तिहान थे तुम्हारे, ये थी तुम्हारी मश्क, ये थी तुम्हारी प्रैक्टिस, काय के लिए? अभी जो देख चढ़ने वाली है ना, ये उसकी पूरी तैयारी 10 साल तक चली, अब उसके बनने का वक्त आ गया, और तुम अब इस सरजमीन से, इस स्कूल से, यहाँ के असातिज़ा से, यहाँ के माहौल से निकलने वाले हो, जाने वाले हो। ऐसे इम्तिहान में शिरकत करने वाले हो जहां से तुम्हारे जिंदगी के रास्तों का तायुन होगा, कौन कहां जाना है, किसने क्या बनना है,
हर एक ने अपने अपने तौर से सोचा है, जिसके जितने मेहनत होगी उसके लिए उतना रास्ता वसी होगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो उसको चाहिए होगा। तो ये आपको जो अव्वल जमात से 1, 2, 3 ये 10 की जो सीढ़ी आपको चढ़ाई गई है, तो ये जो सीढ़ी होती है ना, इसके दो पहिए होते हैं, एक होते हैं आपके सरपरस्त माँ बाप घर वाले, और दूसरा पहिया होता है यहाँ के असातिज़ा या स्कूल उसको कह लीजिए, और उसमें जो छोटी छोटी सीढ़ियाँ लगी होती हैं ना, स्टेप्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, वो होते हैं स्कूल में काम करने वाला हर फर्द, चाहे वह असातिज़ा हो, मुअल्लिमात हो और दीगर जिम्मेदारियाँ निभाने वाले अफराद हो, वो सब आपको इस सीढ़ी के ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए गाये बगाये काम करते रहते हैं। आपको पता नहीं होता है, आप तो उसके ऊपर पैर रखकर ऊपर चढ़ते जाते हो, आपको क्या पता है आपके उस पैर रखने के लिए जो जगह बनाई जाती है उन लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ये ऊपर जाने के बाद एहसास होता है, जब हम किसी मंजिल को पा लेते हैं तब पता चलता है कि अरे हाँ, हम जिस ऊंचाई पर हैं कहीं ना कहीं उसकी सीढ़ियाँ नीचे हैं, उस वक्त एहसास होता है। ये एहसास तुम्हारे अंदर जाग जाए, बस तुम्हारे असातिज़ा का ख्वाब पूरा हो गया। जिस दिन ये एहसास जागा, हमारा काम मुकम्मल हो गया। तो यहाँ जो तुमको तरबियत दी जाती है तालीम के साथ साथ, निसाबी किताबें तो ऐसी भी पढ़ी जाती हैं, आप गूगल, सबसे बड़ा मास्टर दुनिया में मौजूद है, आप गूगल पर कुछ भी सर्च कर लो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी चीज़ हो, चाहे काम की हो चाहे बिना काम की हो, हर चीज़ वहाँ पर मिल जाती है। इल्मी है ना, मालूमात, जानकारी, वो तो वहाँ पर मौजूद है, फिर स्कूल की क्या ज़रूरत है? स्कूल की ज़रूरत इसलिए है कि तालीम बिना तरबियत के आदमी को किसी कामयाबी के मंजिल तक नहीं पहुँचा सकता। तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी है, इल्म के साथ तरबियत ज़रूरी है, इसीलिए तालीम के साथ त लगा है तरबियत। तरबियत पहले है, इल्म बाद में। अगर तरबियत नहीं होगी तो आगे तुम्हारी ज़िंदगी भटक सकती है। अब 2-3 लोगों ने यहाँ पर ये आप लोगों को मशवरा दिया, राय दी, हिदायतें की कि आप लोगों को कुछ ना कुछ प्लान बनाना चाहिए, ख्वाब देखना चाहिए। वो प्लान बनाने के लिए मैं छोटा सा आपको फार्मूला देता हूँ, शॉर्टकट की आदत है हम लोगों को, और जब मरे थे जिनके लिए रहे वो जुगत। हाँ, तुम्हारे लिए वजू करे ना, हमने हम वजू करके जो खड़े हैं तुम्हारे लिए खड़े हैं, ये लोग जो अपने वक्त को फारिग करके आए ये तुम्हारे लिए बैठे हैं, ये लोग भी खाली नहीं है, इनको भी काम है, ये तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे इकराम में आए हैं, तुम्हारे एजाज में आए हैं, तुमको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, और हम ही सो गए दास्तां कहते। तुम तो ध्यान दो, तुम्हारे लिए चल रहा है ना। देखो मैं भूल गया, ये ऐसा होता है, तो शॉर्टकट की सबको आदत है। चलो मैं भी आज आपको एक शॉर्टकट बता दूं, सुनोगे? चार लफ्जों वाले शॉर्टकट याद रखोगे? पहला है एस, क्या है? दूसरा है डब्ल्यू, तीसरा है ओ, और चौथा है टी। बस ये फोर वर्ड फार्मूला अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में याद रख लिए, उस पर अगर काम करना शुरू कर दिया, तो जितने भी मुकर्ररीन यहाँ पर हैं उनके बोलने का मकसद इन चार लफ्ज़ों के अंदर आया। उसको अगर पढ़ोगे एस डब्ल्यू ओ टी तो क्या बनेगा? बनाने के बाद बोलेंगे बोलना क्या बनेगा, उसको पकने को दो। अरे एस डब्ल्यू ओ टी क्या बनेगा? शॉर्ट। अच्छा, शॉर्ट तो शॉर्ट, शॉर्ट तो शॉर्ट, जो बनेगा कुछ तो बनेगा ना, उसको बिरयानी कह लो, अकनी कह लो, तारी कर लो, मसाला भात कह लो, कुछ तो बनेगा। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जायके के हिसाब से उसको कुछ कुछ भी बोल लो। अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो ये फोर वर्ड फार्मूला को अपनाओ।
पहला है एस, पहला क्या है एस से बनता है स्ट्रेंथ, एस से क्या बनता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहते हैं हमारे अंदर जो काबिलियतें हैं, सलाहियतें हैं, अच्छाइयां हैं। अभी किसी मुकर्रर ने बताया कि वो अपना इंटरेस्ट किस में है, इंटरेस्ट कैसे बनता है, जो सलाहियतें तुम्हारे अंदर है, जिस काम को तुम अच्छी तरीके से कर सकते हो, उस काम को करने का दाइया दिल में पैदा होना, इसी को इंटरेस्ट कहते हैं। थ्योरी में अगर इंटरेस्ट का डेफिनेशन अगर कोई लिखना चाहे तो उसका विश्लेषण ये हो सकता है। तो ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम्हारे अंदर जो सलाहियतें हैं, जो तुम कर सकते हो, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। क्या है, क्या है स्ट्रेंथ। दूसरा वर्ड क्या है, जिस दिन तुमने, यहां मैंने पहले ही बोल दिया कि जब तुम बात गौर से सुनोगे तो वो दिल पर अपील करेगी, जब दिल पर अपील करेगी तो दिमाग से उसको सोचोगे, जब दिमाग से सोचोगे तो एक खाका जिंदगी का तैयार होगा, और जब खाका तैयार होगा तो उसको अमल में लाने के लिए तुम एक लाहिया अमल तैयार करोगे, उस वक्त ये सोट एनालिसिस तुम्हारे काम आएगा। दूसरा है, जब तुमको ये पता चल गया कि तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ कौन सी है, दूसरा है वीकनेस, डब्ल्यू से बनता है वीकनेस। फिर तुम अपने अंदर की कमजोरियों को तलाश करो, भाई मेरे अंदर ये अच्छाइयां है, ये खूबियां हैं, ये सलाहियतें हैं, अब कमजोरियां क्या क्या है, उसको तलाश करो। भाई मुझे याद तो हो जाता है ये मेरी स्ट्रेंथ है, लेकिन पढ़ने का जान पड़ता है ये मेरी कमजोरी है। अब जब तक तुम अपनी इस कमजोरी को दूर नहीं करोगे, जब तक तुम किसी चीज को याद नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हारे स्ट्रेंथ को चमकाना है तो उसके लिए तुम्हारे वीकनेस को ढूंढना पड़ेगा, तुम्हारी कमजोरियों को धीरे धीरे दूर करना शुरू करो। जब तुम्हारी कमजोरियों पर तुम काबू पा लोगे तो थर्ड वर्ड है उसका क्या, ओ। जब ये दोनों चीजें तुम्हारे सामने वाजे हो जाएगी, इसको रियलाइज तुम कर पाओगे, तब तुम्हारे सामने ओ आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्लियर हुए बगैर ये तीसरा नजर नहीं आता, ये इसकी खासियत। जब तुम इन दोनों पर काबू पा लोगे तो तुमको ओ से नजर आएगी अपॉर्चुनिटी, मौके, तुमको किस मैदान में क्या क्या जिंदगी में क्या क्या करने के मौके तुम्हारे पास, दैट इज अपॉर्चुनिटी। और जितने भी मौके तुम्हारे पास है, तुम अपनी सलाहियतों के हिसाब से उसमें से कोई चुन लो। जब चुन लोगे तो आखिरी आएगा टी, वो है थ्रेट्स। उसमें धोखे क्या है, उसमें अड़चने क्या है, उसमें परेशानियां क्या है, रुकावटें क्या है। जब इस पर तुम काम करोगे, सोचोगे, तो ये सोट फार्मूला तुमको कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाए। ये जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर शोबे में ये काम आए, कहीं भी चले। तुम दसवीं से इसको इस्तेमाल करना शुरू करो, देखो आगे जिंदगी जैसे बढ़ते जाएगी, इसका प्रैक्टिकली रियलाइजेशन तुम्हारी जिंदगी में होता तुमको दिखाई देगा। जो लोग यहां पर बैठे हैं अभी, तो एक आइडियल स्टूडेंट तुम्हारे सामने इस साल रखे गए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन ये लेटेस्ट दोनों भी हैं। खास बात ये है, दोनों भी खवातीन हैं, लड़कियां हैं। वो जो हमारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है ना, अभी हमारे कौम पढ़ती लिखती नहीं है, एक साजिश का हिस्सा है। हमारी कौम पढ़ती लिखती नहीं है ऐसी बात नहीं है। जब हिंदुस्तान के अंदर तालीम निस्वा की शुरुआत हुई, वो सावित्रीबाई फुले के ज़माने में उन्होंने तालीम निस्वा की, यानी लड़कियों की तालीम की शुरुआत उन्होंने की, उस वक्त में टीचर की हैसियत से फातिमा शेख थी, यानी हमारा मकाम उस वक्त भी टीचर का था। हम अनपढ़ कौम नहीं है, न कभी थे न कभी रहेंगे। हम अनपढ़ कौम कभी थे ही नहीं, हमको बदनाम किया गया। दूसरा, उर्दू मीडियम के ताल्लुक से बोला जाता है, उसको हिकारत की नजर से देखा जाता है। उर्दू मीडियम जाता कौन से स्कूल में पढ़े, उर्दू मीडियम, अच्छा उर्दू में पढ़ रहे क्या, लोगों को देखने तो हिकारत की नजर से, ये उनकी नजर का मियार हो सकता है। तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई खामी नहीं है,
ये उनकी नजरों का मियार है, वो तुमको हकारत से देखते हैं। तुम्हारा काम ये है कि जो तुमको हकारत से देखता है तुम उसके सामने अपने आप को इतना ऊंचा बनाओ कि वो तुमको आंखें उठा कर देगा। कर सकते हो, हमारे कई बच्चों ने करके दिखाया, आज भी कर रहे हैं। तुम लोग भी कर सकते हो, तुम लोग भी कर सकते हो। तुम हमारी कौम का मुस्तकबिल हो, तुम हमारे समाज का मुस्तकबिल हो, तुम हमारी समाज के रहनुमा हो। अभी किसी लड़के ने बोला, क्या वो शेर, अब के बिछड़े तो क्या ख्वाबों में मिलेंगे और गुलाब की तरह किताबों में मिलेंगे। क्यों भाई, कॉलेज में नहीं मिल सकते? बोलो ना, आपके पिछड़े तो कॉलेजों में मिलेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे, मुख्तलिफ शोबों में जाएंगे और कौम का रहबर बनकर फिर दूसरे से मिलेंगे। क्यों नहीं बोलते? क्यों गुलाम की पंखड़ियों की तरह बिखर कर किताबों में जाने का सोचते हो? क्यों कौम का रहनुमा बनकर कौम के अंदर बिखरने का क्यों नहीं सोचते हो? तुम लोग ऊंची सोच रखो, ऊंची सोच रखो। वही अभी अब्दुल रजाक सर ख्वाब के बारे में बोल रहे थे, मैं उसको सोच के बारे में बता रहा हूँ। सोच ऊंची रखो, रास्ते मंजिलें तुम्हारी ऊंची हो जाएगी। और वो अभी मैंने एक कविता पढ़ाया था, क्या वो परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानियों की, क्या है वो बोला गया। अरे उसका नाम नहीं चाहिए, उसका पहला शेर चाहिए मुझे। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी। बस अब तुम यहां से टेक ऑफ होने वाले हो। हवाई जहाज जब आसमान में उड़ान भरता है तो कुछ देर वो जमीन पर चलता है। ये वो जमीन है जहां तुम उड़ान भरने से पहले चल रहे हो। अब तुम इतना चल चुके कि उड़ान भरने के काबिल हो गए। अब तुम उड़ान भरने वाले हो, इसलिए हवाई जहाज पर जब उड़ान भरता है तो उसको टेक ऑफ कहा जाता है, और जब दसवीं के बच्चे यहाँ से उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं तो उसको सेंड ऑफ कहा जाता है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हारे तालीमी रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को दूर करे। और कल जैसे आज ये दो बच्चियां यहाँ शान से बैठी हैं, हम ये चाहते हैं कि तुम भी इसी शान से कौम के रहबर बनकर, कौम के मेहमान बनकर हमारे सामने आओ। अल्लाह आप लोगों को खूब खूब कामयाबी अदा करें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।